हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, यू हैव टू शो दैट ट्रायंगल एएमपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एएमक्यू। यानी कि हमें ये शो करना है स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल एएमपी और ट्रायंगल एएमक्यू आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्रायंगल एएमपी ये यहाँ पर है और ट्रायंगल एएमक्यू ये है। हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट शो करना है। इसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजंस। और यहाँ पर हमें प्रूफ भी गिवन है कि हम इन दो ट्रायंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर इनके रीजन गिवन नहीं है, तो हमें इनके रीजन यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं, रीजन लिख कर दिखाने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, PM इज इक्वल टू QM, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। देखिए स्टूडेंट्स, ये PM साइड है, ये जो इक्वल दी गई है QM साइड की। और देखिए दोनों में सेम सिंबल भी गिवन है, इसका मतलब PM साइड और QM साइड आपस में इक्वल है। उसके बाद हमें गिवन है एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल QMA। अब देखिए एंगल PMA कहां पर है, PMA यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल QMA के। एंगल QMA कहां पर है, QMA यानी कि ये वाला एंगल, यानी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। और देखिए दोनों एंगल्स में सिंबल भी सेम दिए गए हैं। इसके बाद हमें गिवन है AM इज इक्वल टू AM। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये AM साइड AMP ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है और यही AM साइड AMQ ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है। अब हमें इनके यहाँ पर रीजन प्रोवाइड करवाने हैं। और यहाँ पर एक हमें और प्रूफ दिया गया है कि इन तीन स्टेप्स को यूज करके हम क्या प्रूफ कर देंगे कि ट्रायंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMQ। तो हमें इसका भी रीजन यहाँ पर देना है कि ये कौन से क्राइटेरिया के द्वारा ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमें गिवन है कि PM इज इक्वल टू QM, तो ये ऑलरेडी हमें यहाँ पर दिया गया है कि PM साइड और QM साइड इक्वल है। देखिए दोनों में सेम सिंबल दिए गए हैं, इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमने आंसर में लिखा PM इज इक्वल टू QM और इसका रीजन है गिवन कि ये हमें ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड नंबर पे हमें गिवन है एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल QMA। अब यहाँ पर देखिए एंगल PMA यानी कि ये वाला एंगल और यहाँ पर एंगल QMA यानी कि ये एंगल, देखिए इन दोनों के सिंबल्स भी सेम हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी हमें इक्वल दिए गए हैं। तो इसके आंसर में भी हम क्या लिखेंगे, एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल QMA का रीजन है कि ये भी हमें गिवन है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, AM इज इक्वल टू AM, जो AM साइड है स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल AMP के अंदर भी आ रही है और यही AM साइड ट्रायंगल AMQ के अंदर भी आ रही है। तो जो AM साइड है ये इन दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो देखिए AM इज इक्वल टू AM के आगे हमने रीजन लिखा है कॉमन। इसके बाद हमें ये रीजन देना है स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल AMP और ट्रायंगल AMQ जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये कौन से क्राइटेरिया के द्वारा कॉन्ग्रुएंट हुए। हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इन दोनों ट्रायंगल्स में PM साइड QM साइड के इक्वल है, AM साइड AM साइड के इक्वल है, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स की दो साइड्स तो आपस में इक्वल हैं और उसके अलावा एंगल PMA और एंगल QMA भी आपस में इक्वल है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये जो दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, क्या ये इंक्लूडेड एंगल है या नहीं। इंक्लूडेड एंगल मतलब अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स की दो कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होती हैं और उनके बीच वाले एंगल्स भी अगर आपस में इक्वल होते हैं तो वो एंगल्स इंक्लूडेड एंगल कहलाते हैं। अब देखिए PM साइड QM साइड के इक्वल है और AM साइड AM साइड के ही इक्वल है। और इन दो इक्वल साइड्स में देखिए, ये दोनों साइड्स जो कि ट्रायंगल AMP में है, वो ट्रायंगल AMQ की इन दोनों साइड्स के इक्वल हैं। और ये जो एंगल्स इक्वल हमें दिए गए हैं, ये भी इन्हीं इक्वल साइड्स के बीच में आ रहे हैं। यहाँ पर इन दो साइड्स के बीच वाला एंगल और यहाँ पर इन दो साइड्स के बीच वाला एंगल, ये भी आपस में इक्वल हैं। तो जब किन्हीं दो ट्रायंगल्स में
अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है स्टूडेंट्स और उनके इंक्लूडेड एंगल भी अगर इक्वल होते हैं तो हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं, हम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज करते हैं। तो यहां पर हमने इसका जो रीजन था कि ट्राइंगल ए एम पी और ट्राइंगल ए एम क्यू आपस में कॉन्ग्रुएंट क्यों है, तो इसके लिए हमने रीजन लिखा है एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।